केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नव में रोजगार मेले के अवसर पर शिमला में 110 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अमृतसर में बाघा बॉर्डर का किया दौरा, जलियांवाला बाग व पार्टीशन म्यूजियम का किया अवलोकन, कहा विनाशकारी स्मृतियों से उभरने के लिए राष्ट्रीय एकता व भाईचारे की भावना को मजबूत करना है आवश्यक। मुख्यमंत्री ने अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर में नवाया शीश, कहा गुरुओं की शिक्षाओं की प्रासंगिकता आज पहले से भी है कहीं अधिक। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने मुख्यमंत्री को भेंट की पुस्तकें व स्वर्ण मंदिर की प्रतिकृति। सोलन में चिट्टा तस्करी में शामिल दो बड़े गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 16 आरोपी किए गिरफ्तार। SP सोलन गौरव सिंह ने बताया प्रदेश के 200 से अधिक युवाओं के संपर्क में थे आरोपी। ऊना में मोटे अनाज के विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना रहे महिला स्वयं सहायता समूह, उपायुक्त से उत्पादों की बिक्री हेतु मांगा स्थान। ऊना के लोअर बसाल में 28 वर्षीय प्रवासी विवाहिता की हत्या, कमरे में महिला का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। किन्नौर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों ने राज्यपाल के समक्ष उठाया सर फेसी एक्ट के दुरुपयोग का मामला, कहा गैर जनजातियों द्वारा प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में हड़पी जा रही भूमि। धर्मशाला में ICC वनडे क्रिकेट विश्व कप के 5 मैचों के सफल आयोजन के लिए HPCA ने की इंद्रु नाग देवता की पूजा अर्चना। ऊना के उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा सम्मान समारोह आयोजित, राजकीय कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने वाले सम्मानित।